सितम गर ये कुर्बत क्या करे। चले अंदर चले। इसको कहाँ लेके गए उसने? उसने कोई वो आपके पास तो बहुत दौलत है, वो तो मेरे बेटे को हमेशा के लिए बंद करवा देगा। मेरे सुफियान ने किसी का क्या बिगाड़ा है? भाभी आप खुद को संभालिए। भाई साहब एक नागहानी मुसीबत है, हिम्मत से काम लेना होगा, हिम्मत से सामना करना पड़ेगा इस मुसीबत का, है ना? एक ही बेटा है मेरा, मेरा सारा है, वो उसको भी इस तरह लेके गए मैं, और तुम मुझे दिलासा दे रहे हो यार शुजात, उसको उसको देखो जा रही है। कुछ नहीं होगा उसे, हम है ना, अब खुद को तो संभालो, अभी तबीयत देखा नहीं करा। मेरे पापा तो आप कुछ करते क्यों नहीं है? जाए जाके मेरा बेटा छुड़ा के लेकर आए, जाए। अच्छा तुम मुझे सच बताओगी या नहीं बताओगी? सच ये है कि मेरा बेटा बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया, वो तो आपके पास हॉस्पिटल में था ना, पता नहीं किस वक्त की दुश्मनी निकाली है सबने। कौन सी दुश्मनी भाभी? मैंने तो सुना था कि क्या सुना था आपने? आपने भी ना दुश्मनी निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम परेशान है, अभी हॉस्पिटल से लौट के आए, सदमे में, हमें दिलासा देने के बजाय आप किस बात का गुस्सा निकाल रही है? आप हम सब ने अपनी हद में रह कर हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने की कोई जरूरत नहीं है। तमीज से बात करो मेरी माँ से। सदफ चुप करो, चुप कराओ यार, लेके जाओ सदफ को। लेकिन आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? मैंने क्या कहा है? जाओ यहाँ से। बेटे को पुलिस उठा के ले गई, बेटी हमारे मुंह को आ रही है, ये तरबियत की है? मैंने कहा जाओ यहाँ से। जा रहे हैं, चलो बेटा। मैं हूँ ना, अपने बेटे के पास जा रहे हैं ना। अच्छा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा अंदर अंदर आए, अंदर अंदर। अच्छा क्या करेंगे उसके साथ ये? ये सब किया था उस जैनब और हुस्ना का है, मैं नहीं छोड़ूंगी। अम्मी, अम्मी, एक मिनट। भाई साहब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इधर बैठ, इधर इधर। सिर्फ पानी लेते हेलो। तुम्हारे और तुम्हारी बेटी की वजह से हमारे घर में एक के बाद एक क़यामत टूट रही है। आखिर तुम चाहती क्या हो ज़ैनब? किस बात का बदला ले रही हो हमसे? तुम लोगों ने जो FIR कटवाई थी उसकी वजह से पुलिस वाले मेरे सुफियान को उठा के ले गए। भाभी शहरोज पे हमले की वजह से आपा बहुत अपसेट है, वो एक माँ है, उन्होंने वही किया जो उनको ठीक लगा। क्या अपने भतीजे के खिलाफ FIR कटवाने को तुम ठीक अमल कहती हो? शर्म आनी चाहिए ज़ैनब तुम्हें, महज शक की बिना पर तुम लोग जब दिल चाहे मेरे बेटे को उठा के ले जाओगे? समझ क्या रखा है तुम लोगों ने मेरे बेटे को? भाभी मेरे कहने का मकसद ये है कि तुम्हारा मकसद समझ में आ चुका है हमें। तुम और तुम्हारी बेटी का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है हमारी बर्बादी। पहले भी तुम लोगों की वजह से रफाकत को हार्ट अटैक आया, पहले भी सुफियान के खिलाफ तुम लोगों ने FIR कटवाई थी ना, तब तुम्हारे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी थी जो दोबारा उसके खिलाफ FIR कटवा दी? अपने भतीजे के लिए तुम्हारा दिल कैसे बदतर हो सकता है? भाभी आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैंने आपको कहा ना कि मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ तुम्हें। ज़ैनब याद रखना, अगर मेरे सुफियान को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें और तुम्हारी उस ले पालक बेटी को बख्शूंगी नहीं। भाई साहब बस करो, बस करो। भाई साहब खुद को संभाले। क्या हुआ है आपको रफाकत? ठीक तो है? भाई साहब संभाले खुद को। हेलो हेलो, क्या भाई को क्या हुआ है? हेलो ठीक हूँ, बस छोड़ दो मुझे, छोड़ो सब छोड़ो। भाई साहब सुन ले ना बात। अरे भाई साहब Thank you.
मुझे, छोड़ दो सब। भाई साहब मेरा ख्याल है कि हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। नहीं हॉस्पिटल नहीं जाना मुझे, मुझे अभी पुलिस स्टेशन जाना है, अपने बेटे की जमानत करानी है, उसको लेके आना है मैंने। लेकिन अभी तो मुमकिन नहीं, अभी वक्त ही नहीं है, अदालती कार्रवाई है वो तो सुबह मुमकिन है ना। देखें आप पहले अपने सेहत का ख्याल रखें, आप खुद ठीक रहेंगे तब सुफियान के लिए कुछ कर सकेंगे ना। है मेरा बेटा सारी रात थाने में रहेगा, ये सोच सोच के तो मेरा कलेजा फटा जा रहा है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी हूं, जिंदा हूं, मरा नहीं हूं, मैं ले आऊंगा उसको जाके, लावारिसों की तरह नहीं छोड़ूंगा उसको मैं। अच्छा, करूंगा कुछ। ये सब कुछ उस ज़ैनब की वजह से हो रहा है, अल्लाह पूछे ज़ैनब को, उसी की वजह से ना ये दिन हमें बार बार देखना पड़ रहा है। तमाशा बना के रख दिया उसने हमारा। सुफियान अरेस्ट हो चुका है, भाभी गुस्से में, पता नहीं भाई साहब को क्या हुआ। सबके फोन भी बंद है, हमें भाई साहब के बारे में कहां से पता करूं, कैसे पता करूं? मुझे लगता है मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। इसको अंदर डालो। जब मैं कह रहा हूं कि मैंने कुछ नहीं किया है तो आप लोग मुझे यहां पे क्यों लाए? आप लोगों को मेरी बात का यकीन भी नहीं आ रहा है। और सब पता कर लेंगे, ऐसी भी क्या जल्दी है, पी तो आए हो, जरा एंजॉय करो माहौल को। अच्छा नहीं कर रहे आप लोग मेरे साथ, इस तरह किसी बेगुनाह को अरेस्ट नहीं कर सकते। और जाओ इधर जाके बैठो, और चलो आज तुम यहां? मैं कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहा था, मैं भाई साहब की तबीयत खैरियत मालूम करने के लिए आई। बेफिक्र हो भाई, ठीक है, तुम्हारे जिंदा हैं अभी तुम्हारी बला से। मिल तो लेने दे भाभी। क्यों मिलने दे? अरे वाह, ये अच्छा तरीका है। पहले मेरे शौहर और मेरे बेटे की जिंदगी हराम कर दी, अब अपनी हमदर्दियां दिखाने के लिए आ गई हो यहां। तुम्हारे भाई की यह हालत तुम्हारी वजह से ही हुई है। मेरे बेटे को तुमने जेल भेज दिया, मेरे बेटे और मेरे शौहर की जिंदगी हराम करके तुम्हारा दिल को सुकून नहीं पहुंचा, जो आ गई अपनी हमदर्दी का टोकरा लेके यहाँ पे। भाभी आप समझने की कोशिश करें, शहरोज नईमा आपा का बेटा है, वो उसके लिए जो मर्जी फैसला करे, मेरा उससे क्या लेना देना। अच्छा तो फिर यहाँ क्या लेने के लिए आई हो? जाओ उस बेटे का सदका दो, यहाँ तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। वैसे ज़ैनब सीधी सी बात है, तुम्हें यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। आप भी ये कह रहे हैं? हाँ। जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि ज्यादती सुफियान की तरफ से हुई है। अच्छा अगर मेरा बेटा बुरा है तो उसके बाप की तबीयत पूछने के लिए क्यों आई हो? हमने तो तुम्हें नहीं बुलाया था ना यहाँ पे। उनसे मेरा रिश्ता है, भाई लगते हैं ना मेरे, मैं उनसे मिलने आई हूँ, उनकी खैरियत मालूम करने के लिए आई। इस घर के लोगों से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम जहाँ से आई हो ना वहीं वापस चली जाओ। अगर मेरे शौहर और मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो नताइज बहुत बुरे होंगे ज़ैनब। भाभी मुझे धमकी देने के बजाय ये बेहतर नहीं होगा कि आप सुफियान को समझाएं, क्योंकि वो गलत है, बहुत सारी जगहों पर गलत है। अच्छा तो हम सब गलत हैं, इस पूरी दुनिया में कोई सही है तो वो ये है और इनकी बेटी। मेरा ये मतलब नहीं था भाभी। तुम चुप ही रहो तो बेहतर है। भाई आप ही समझाएं ना,
मैं सिर्फ आपको देखने के लिए आई हूँ, आपकी तबीयत मालूम करने के लिए आई हूँ। ज़ैनब, अभी तुम जाओ यहाँ से, बाद में बात करते हैं, अभी हम तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत परेशान हैं। लगता है मेरे भाइयों के दिल भी पत्थर के हो गए। हाँ, यहाँ सब पत्थर के हैं। बेहतर होगा तुम्हारे लिए आइंदा इन पत्थरों से अपना सर फोड़ने के लिए ना आना। जाओ यहाँ से, जाओ। और कहाँ है ये शहनाज? कहाँ सब मर गए? दरवाजा कैसे खुला हुआ था कि कोई भी घुसकर आ जाए? आप तो ठीक है? और बताया कुछ इसने? नहीं साहब। और लगता है सही से नहीं पूछा है तुम लोगों ने। मैं बता चुका हूं कि मैं इस हमले में मुलविस नहीं हूं। निकालो मुझे यहां से। और यहां आने से पहले सब बड़े शरीफ बनते हैं, जब उनकी तबीयत साफ की जाती है ना तो फर फर करके अपने जुर्म का एतराफ भी कर लेते हैं। और तुम्हारा रिकॉर्ड तो वैसे भी गंदा है, तुम वही हो ना जो वाफ साहब के घर में घुस के हंगामा करने के जुर्म में गिरफ्तार हुए थे। और लगता है कि पिछली बार की मार से तुम्हें कोई सबक नहीं मिला, जो दोबारा नया खेल खेल के यहाँ आ गए। खान, तनख्वाह तुम लोग को गवर्नमेंट देती है ना? वफादार तुम लोग वहाब के लगते हो, जो बार बार उसके कंप्लेन करने पे मुझे पकड़ के ले आते हो यहाँ पे। बकवास नहीं करो, सामने साहब खड़े हुए। और इसकी जबान लगता है बहुत चल रही है इधर। हाँ साहब, बहुत पड़बड़ा रही है, मुझे तो इसी पे शक हो रहा है। मेरा ना तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, देख लूंगा एक। और ये तो खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रहा है, इसको लटका दो उल्टा है इधर, और तब तक लटकाए रखना कि जब तक इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं आ जाता है। वैसे भी कोर्ट बंद है और कल आएंगे इसके चाहने वाले। ठीक है साहब। कैसे भाभी प्लानिंग कर रही थी सुफियान को भगाने की, लेकिन देखो क्या हो गया, ले गई ना पुलिस। सुफियान तो बड़ा ही बदकिस्मत निकला, बेचारा हर बार फ्लॉप प्लान बनाकर उनके हत्थे चढ़ जाता है। अरे हमारी बला से, जैसी करनी वैसी भरनी। मैंने तो बड़ा समझाया उनको, लेकिन उन्हें तो हमारी कोई बात समझ ही नहीं आती, बस झुटलाती रही मुझे। अब देखो कैसे वावेला कर रही है। सच बताओ बड़ा मजा आया मुझे। हमें तो मजा आ रहा है, लेकिन बाबा को मजा नहीं आ रहा। लगता है भाई की मोहब्बत का बोझ फिर से चढ़ गया उनके सर पे। इतनी मेहनत से हमने उन्हें कन्विंस किया था, देखिए बैठे हैं उनके साथ हमदर्दियां कर रहे हैं। अब उनको यहाँ होना चाहिए हमारे साथ, इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। अरे बेटा खून है, जोश तो मारेगा, लेकिन ये जोश ताया की तरह से तो नजर नहीं आया कभी। क्योंकि तुम्हारे ताया तुम्हारे अब्बा की तरह बेवकूफ नहीं है। तुम्हारे अब्बा को सारी जिंदगी में समझाती रही, लेकिन भाई की मोहब्बत का भूत है जो उतरने का नाम ही नहीं लेता। देख ले ये मोहब्बत हमारे गले की हड्डी ना बन जाए। अरे फिकर मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, देख लूंगी। अभी भाई की मोहब्बत का भूत सवार है इनके सर पर, जब वहां से जलील होके निकाले जाएंगे ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा इनका। देख लें आप, वैसे नीचे फुप्पू आई हुई है, उन्हें भी ताईजान बातें सुना रही है। अरे हाँ आपको सुनते हुए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नईमा आपा, मैं बात कर रही हूँ महनाज। हाँ पहचान लिया मैंने, कैसे फ़ोन किया महनाज? अरे मैं तो बहुत पहले आपको फ़ोन करना चाहती थी अब शहरोज की खैरियत पूछने के लिए। सुफियान से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि उशना के पीछे पागल होके शहरोज की जान लेने पे तुल जाएगा। हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का कि उसने मेरे बच्चे की जान बचा ली। बेशक बेशक, लेकिन मैं जैनब की परेशानी भी समझ रही हूँ। एक तरफ खूनी रिश्ता है और एक तरफ दामाद है, लेकिन शायद जैनब की हमदर्दियाँ अपने खून के साथ यानी सुफियान के साथ ज्यादा है, तभी तो वो यहाँ आई है अपने
भाई की तीमारदारी करने के लिए। उनकी हमदर्दियां जिसके भी साथ हैं हुआ करें। अल्लाह ने एक बार मेरे बच्चे की जान बचाई है, आगे भी वही हिफाजत करेगा। बिल्कुल, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, लेकिन एहतियात तो लाजमी है ना भाभी। आपने बहुत अच्छा किया जो सुफियान को अरेस्ट करवा दिया। हम सबका भी यही ख्याल है कि ये सब कुछ सुफियान ने ही किया है। अब देखिए ना, निकाह तो नहीं रुकवा सका तो गुंडागर्दी पे उतर आया। अरेस्ट तो होना ही चाहिए था ना उसे। अच्छा है, पुलिस की तहवील में है, अब कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा मेरे बच्चे का। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, जैनब ने हमेशा सुफियान को यह अहमियत दी है। लेकिन देखिए ना क्या हो गया, जैनब के यहाँ आने से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो आप सुफियान की जमानत करवाने की कोशिश करेगी। देखें आपा, जैनब किसी की नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा, ये आप भी समझ लें। अल्लाह ना करे, लेकिन देख लिया आपने जैनब की वफादारियाँ। उसे तो अपने दामाद के लिए परेशान होना चाहिए था ना, ना कि यहाँ आके अपने भाई से हमदर्दियां कर रही। फोन काट दियो। खैर, मेरा तो काम हो गया। देखा, अब मजा आएगा। चल गरम गरम चाय पीते। आ गई हैं आप? जी, उम्मीद है वहां सब ठीक होगा। सुफियान के लिए परेशान थे। कहाँ जा रही हैं आप? आपा, मैं फेरोज को देखने जा रही थी। डॉक्टर ने क्या कहा है, कब डिस्चार्ज करें? आप थक गई होंगी, घर जाइए, यहाँ मैं हूँ अपने बेटे के पास। नहीं नहीं आपा, मैं क्यों थकूंगी, यहीं रहूंगी मैं। दो कश्तियों के मुसाफिर अक्सर थक जाया करते हैं, उन्हें समझ जो नहीं आती कि किस तरफ अपना झुकाव रखें। मैं कुछ समझी नहीं। मैं भी नहीं समझी जना, ये जानते हुए भी कि आपके भतीजे की वजह से मेरा बच्चा जिंदगी और मौत से लड़कर इस वक्त हॉस्पिटल के इस कमरे में है। कोई कसर नहीं छोड़ी थी सुफियान ने उसकी जान लेने में। आप बजाय मेरा और मेरे बेटे का साथ देने के अपने भाई और भतीजे से मोहब्बत जताने चली गई। वो मैं भाभी से बात कर रही थी, उनका फोन अचानक बंद हुआ तो मुझे लगा भाई साहब की तबीयत फिर से खराब हो गई है, इसलिए मैं वहां गई थी। मेरे पास ऐसा कोई पैमाना नहीं है जिससे नाप सकूं कि आप भाई की मोहब्बत में गई थी या भतीजे की, और ना ही मुझे इससे कोई गर्ज है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपने शहरोज के मुकाबले में अपने खूनी रिश्तों को अहमियत दी है, जबकि शहरोज से आपका दोहरा रिश्ता है। पर मैं भी किससे बात करूं, वो आप ही है ना जो सुफियान के खिलाफ FIR कटवाने से रोक रही थी मुझे। मेरा दिल नहीं मानता कि सुफियान ऐसी हरकत कर सकता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आप मुझे शहरोज के साथ खड़ा पाएंगे। और आप ठीक कह रही हैं, वहाब और उष्णा की नस्बत से शहरोज से मेरा दोहरा रिश्ता है, और मैं ये बात नहीं भूली। अगर आपको इन रिश्तों का पास होता जैनब, तो आप हमारे दुश्मनों से हमदर्दी करने ना पहुंच जाती। मैंने हमेशा आपको अहमियत दी है, हर अच्छे बुरे वक्त में आपका साथ दिया है ना जैनब? और आपने मेरे साथ क्या किया, क्या किया? ऐसा करते हुए आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, एक ऐसी माँ के दिल पे क्या गुजरेगी जिसका बेटा मौत के मुंह से वापस आया। सच पूछे तो आपने मुझे बहुत तकलीफ दी है जनाब। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था आपा कि मेरा वहां जाना आपको इतना महसूस होगा।
मैं तो बस एक बहन के नाते। आप एक माँ के जज्बात नहीं समझ सकी हैं और मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं एक बहन के जज्बात समझूं। पापा मैं, आप जाएं, अपने खूनी रिश्ते निभाइए, अपने बेटे को मैं खुद देख लूंगी। प्लीज जाइए। ड्राइवर को रोका हुआ है मैंने, वो आपको घर छोड़ के आएगा। किरण प्लीज गो, प्लीज गो। आपको मेरे बेटे की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है ना, सिर्फ अपने भाई की फिक्र है। नहीं आपा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, सफाई पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने कानों से सुना है सब मैंने और अच्छी तरह समझ गई हूँ कि आपकी सारी वफादारी उन्हीं लोगों के साथ है, तभी आप रोक रही थी ना मुझे। जी भाभी, खैरियत? मैं तुम्हारे सामने एक अर्जी लेकर आई। तुम्हारे भाई को इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है। सुफियान को छुड़ाने में उनका साथ दो। जवान बेटे की आजमाइश ने उन्हें बिल्कुल तोड़ के रख दिया है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती। भाभी प्लीज ये ना करें मेरे सामने, ऐसा ना करें। इस मुश्किल वक्त में हम बहुत अकेले हो गए। अगर तुम भी साथ नहीं दोगे तो और कौन साथ देगा हमारा? ये सारी मुसीबतें आपके बेटे की ही लाई हुई हैं। हमने तो हमेशा आपका साथ दिया, कब आपको तन्हा छोड़ा? असल बात तो यह है कि आपने ही हमें कभी अपना नहीं समझा। सुना था कि मुश्किल में तो साया भी साथ छोड़ जाता है। लेकिन एक बात याद रखना मेहनाज, आज ये मुश्किल मुझ पे आई है, कल तुम पे भी तो आ सकती है। वो जैनब किसी की भी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम रोती हुई मेरे पास आओ। अच्छा मैं भी बात सुन, मैंने आपको अपने अल्फाज दिए हैं ना, मैं भाई साहब के साथ हूं, आप टेंशन नहीं लेंगे बिल्कुल भी, ठीक है? शुक्रिया। कैसे कैसे लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा है मेरे साथ। All right, everybody, let's go. Young man, let's go home. बहुत आराम से बेटे, आप रहने दें जाना। आपकी मदद की जरूरत नहीं है।
इधर से इस साइड से उतरो बेटे। जान से हमदर्दियां करते रहे और अब सुफियान की बिल कराने चले गए हैं। आप इन्हें समझाती क्यों नहीं है? कितनी दफा समझाऊं? भाभी के आंसू देख के पिघल गए और भाई की मोहब्बत का भूत तो उतर ही नहीं रहा है इनके सर पे से। जब मैंने ये बात छेड़ी तो मुझे सारे वाकयात सुनाने बैठ गए कि जब अब्बा और अम्मा का इंतकाल हुआ तो कैसे बड़े भाई छोटे बहन भाइयों का सहारा बने। और ये कौन सा वक्त है एहसान याद रखने का, वो भी एक मुजरिम भतीजे के लिए? अरे जुर्म अभी साबित थोड़ी हुआ है, सब लोग यही बात कर रहे हैं। और तुम यकीन करोगे, मेरे सामने सुफियान ने अपना जुर्म कबूल किया है। शुजात का ख्याल ना होता ना तो मैं खुद जाती थाने सुफियान के खिलाफ गवाही देने। वहाब अंकल जमानत कैसे होने दे सकते हैं? अरे वहाब साहब बहुत समझदार इंसान है, सारी लीगैलिटीज को समझते हैं अच्छी तरह से, लेकिन जमानत थोड़ी रोक सकते हैं वो। फिर फायदा क्या वो पकड़े जाने का जब बेल ही होनी थी? अरे केस थोड़ी खत्म हुआ है, बेल मिल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, मैं तो कहता हूँ अपना पोशन सेल करें और हम लोग कहीं और मूव रहते हैं। कम से कम इन मनुष्यों की शक्लें तो देखनी नहीं पड़ेंगी। जेल से आने के बाद तो ऐसे भरा मारेगा जैसे जेल से नहीं सोने की कान खोद कर आ रहा हो। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो, मैं हूं ना, और अगर ये अभी छूट भी गया ना तो दोबारा पकड़ा जाएगा, मैं बता रही हूँ तुम। क्यों, ऐसा क्या हुआ? आगे आगे देखते जाओ होने क्या बात है, ये सिलसिला अब खत्म नहीं होगा, चलता ही जाएगा। चाय तो पियो, ठंडी होगी बिल्कुल। एक सेकेंड, बस हो गया। कुछ और तो नहीं चाहिए आपको? तुम पास होना काफी है बस। मैं तो यही हूं, मैं कर्टन्स ओपन कर देती हूँ, फ्रेश एयर आएगी तो आप अच्छा महसूस करेंगे। मैं ऑलरेडी अच्छा फील कर रहा हूँ, कर्टन्स खोलने की क्या जरूरत है? मौसम आज वाकई खुशगवार है क्योंकि आपके मिजाज बदले हुए लग रहे हैं। आप मेरे पास होती है ना तो पता नहीं ऐसा क्या है, मिजाज खुद ब खुद खुशगवार हो जाता है। मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए कुछ फ्रेश फ्लावर्स लेकर आती हूँ, रूम में रखती हूँ, रूम महकता रहेगा। नहीं, फ्लावर्स मैं खुद लेकर आऊंगा, बस वक्त आने पर। ब्रेकफास्ट, नाश्ता तो करेंगे ना? नाश्ता लेकर आती हूँ। कृष्णा, थैंक यू, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। ठीक है ना, इस तरह की शक्ल एंड में होनी चाहिए लज़ानिया की, तो गार्निशिंग बिल्कुल ऐसे करना और बहुत ध्यान से। ओके चलो। आप यहाँ क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो आपके आराम के ख्याल से कह रही थी। अपने बच्चों के लिए काम करने में कैसी बेआरामी, शहरोज के लिए कुछ खास बनवाना चाह रही थी। हाँ हाँ, मुझे बताएं, मैं बना देती हूँ। नहीं, कह दिया ज़ुल्फ़ी को, बना रहा है वो। अच्छा ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं सुपरवाइज कर लूंगी, देख लूंगी। नहीं आप रहने दें, मैं खुद देखना चाहती हूँ। थैंक यू। ठीक है, ठीक से आप।
हेलो ज़ैनब, खुदा का वास्ता है, हमें माफ कर दो। क्या कह रहे हैं भाई, क्या हुआ है, मैंने क्या किया है? मैं तो कुछ नहीं किया। मजीद किसी आजमाइश में मत डालो, थक गया है तुम्हारा भाई, गलती हो गई मुझसे, कहो तो हाथ जोड़ लेता हूँ, माफ कर दो मुझे। मुझे गुनाहगार न करें भाई, आप बड़े हैं मुझसे, मैं आपका एहतराम फर्ज है मुझ पर। तो फिर ये दुश्मनी क्यों निकाल रही हो हमसे? अरे भाई नादान है सुफियान, हो गई उससे, माफ कर दो। भाई मैं कोई दुश्मनी नहीं निकाल रही, आप मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। तुम निकाल नहीं रही हो, लेकिन सब कुछ हो तो तुम्हारी तरफ से रहा है ना ज़ैनब। मैं होने से कैसे रोक सकती हूँ भाई, वो नईमा आपा और वहाब का बेटा है। तुम रोक सकती हो ज़ैनब, तुम रोक सकती हो, तुम उसी घर का फर्द हो। वहाब से और नईमा से कहो कि खुदा के वास्ते उस वापस ले ले ये केस, मेरा एक ही बेटा है, अगर उससे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा ज़ैनब। भाई अगर सुफियान बेकसूर है तो उसको कुछ नहीं होगा, आप हौसला रखें, बस अपना ख्याल रखें, स्ट्रेस ना लें, परेशान ना हो, बीमार ना हो, प्लीज। ज़ैनब प्लीज, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने भाई की इस हालत को समझोगी। मैं देखती हूँ, खुदा हाफिज। आपको मेरे बेटे की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है ना, सिर्फ अपने भाई की फिक्र है। नहीं आ पाए, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, सफाई पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने कानों से सुना है सब मैंने और अच्छी तरह समझ गई हूँ कि आपकी सारी वफादारी उन्हीं लोगों के साथ है, तभी आप रोक रही थी ना मुझे। नहीं आपा, आपको लग रहा है कि शायद आपको रोक के मैंने अपने सगे रिश्तेदारों से वफादारी निभाई, ऐसा नहीं है। हकीकत भी यही है, मेरे सुफियान का नाम लेने पे सबसे ज़्यादा तकलीफ आप ही को पहुंची थी ना। मैं सुफियान को बचपन से जानती हूँ और अभी भी मुझे लगता है कि सुफियान ऐसा नहीं कर सकता। मेरी समझ में नहीं आता कि आप ये कैसे सोच सकती हैं, जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया उसके बाद आपको हो सकती है ऐसी कोई खुशफहमी? मुझे कोई खुशफहमी नहीं है। ठीक है, आप फूफो होने का फर्ज निभाइए, मैं अपना फर्ज निभाती हूँ। ये मेरी क्लाइंट की जमानत के पेपर्स हैं। बड़ी जल्दी दिखाई आप लोगों ने, प्लीज मेरे क्लाइंट को बुलाएं। जाओ भाई लेकर आओ उसे। और चल भाई आजा, तेरी जमानत हो गई है, आजा जल्दी। वाकर साहब, अब ये चूहे बिल्ली का खेल खत्म हो जाए तो ज्यादा बेहतर हो। चले भाई साहब, चलिए चलिए।
शुक्र मनाओ आ गए तुम्हारे साथ ज्यादा सदका दो इनका। हाँ देती हूँ, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा बच्चा। शुक्र करें खैर ऑफिस से घर वापस आ गया है। अब दुआ ये करें कि इस केस से आसानी से जान छूट जाए हम सबकी। ऐसे कैसे नहीं छूटेगी, भाई पे झूठा इल्जाम लगाया गया है। उम्मीद करता हूँ कि इल्जाम झूठा ही हो। बिल्कुल ऐसा ही है, मुझ पे झूठा इल्जाम लगा के फंसाया जा रहा है मुझे। बहुतान लगा रहे हैं वो लोग मेरे बेटे पर। बेटा तुम बस अब यहाँ नहीं रहोगे, तुम यहाँ से कहीं बाहर चले जाओ, सारे लोग तुम्हारी जान के दुश्मन बन गए। मैं क्यों जाऊँ, मैं यहीं पर रहूंगा, डरता नहीं हूँ लोगों से। उनको क्या लगता है सिर्फ उन्हीं की इज्जत है, वही केस कर सकते हैं? क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कहना चाहते हो मियां? मुझे बार बार बगैर किसी सबूत के ले जाके लॉकअप में बंद कर देते हैं ये लोग। अब अगर उन्होंने ऐसा किया ना तो मैं उनपे हद तक इज्जत का केस करूंगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, वक्त से पहले मार देना चाहते हो मुझे? क्यों मौका देते हो इन्हें कि ये तुम्हें फांसी पे लटका दे? बस भाई साहब तेरी ये ठीक नहीं, आपकी वैसे ही आराम से समझाते हैं, बात करते हैं। आराम से समझ में कहां आती है इनके। अच्छा चले ठीक है ना, आप जाए रूम में जाए, चले जाए। देख बेटा क्या हो जाता तुम्हें यार, बात कर लेंगे भाई साहब से। इधर आओ बैठो मेरे पास बैठो। तुम्हें मारा था हम लोगों ने, मारा तो नहीं था? मान लो मेरी बात, क्यों अपनी बात की जान लेना चाहता है तू? तू यहाँ नहीं रहेगा ना तो मैं सुकून से जी सकूंगी, मान ले बेटा। आई डोंट नो मगर खबर आ गई है, सुफियान की जमानत हो गई। कैसे हो गई है सुफियान की जमानत, आपने रोका क्यों नहीं? अरे नहीं मैं कैसे रोकते भाई, सबूत है नहीं तो कहां से रोक लें उसको। हाँ तो पुलिस तफ्तीश करती तो खुद ही बता देता ना, वो उसे रहा नहीं होना चाहिए था। जब तक वो बाहर है वहां मेरे बच्चे की जान को खतरा है। लेकिन आप वो इस तरह उसको पकड़ के थाने में कैसे रख सकते जब तक उसके खिलाफ कोई सबूत ना हो? सबूत भी मिल जाते अगर वो बाहर ना निकलता तो। उसके अलावा कौन है मेरे बेटे का दुश्मन? वहां मैं आपसे कह रही हूं आप कुछ भी करके उसे वापस जेल में भिजवाएं। लेकिन आप किसी सबूत के बिना ये कैसे मुमकिन है? इसे बिल्कुल ठीक कह रही है। नहीं मैम, सबूत के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। सबूत सबूत सबूत, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? शहरोज हमारी अकलौती औलाद है वहाब, इस हमले में उसकी जान जा सकती थी। आपा आप जरा सोचें, ये हादसा भी तो हो सकता है, और उस वक्त सुफियान भाई साहब के साथ हॉस्पिटल में था। बस कर दे बार बार ये बात कहना ज़ैनब। ये कुर्बत क्या करें।